1 जनवरी 2022 है। कुछ अर्सा पहले मैंने सोचा नहीं था कि नया साल का आगाज़ मेरे अपने शहर से बहुत दूर टोबा टैक्सिंग में होगा। अस्सलाम वालेकुम, हाँ नवीद, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, टोबा टैक्सिंग के रेलवे स्टेशन पे आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ। हाँ जी, तो बात हो रही थी नवीद यूसुफ की। नवीद यूसुफ, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एक कैंपस में मेरा क्लास चला था कंप्यूटर साइंस का, मैं फिर बागी हो गया था, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। तो मेरे दोस्तों को लगा था कि समी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, लेकिन समी आज भी ज़िंदा है और अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। कैसा लगा फिर? जैसे आपको बताया नवीद यूसुफ मेरे दोस्त मेरे साथ है, तो हम टोबा टैक्सिंग हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि इसका ये नाम क्यों पड़ा और इसके पीछे असल कहानी क्या है। बेसिकली समी भाई, यहाँ पे ना सिख बिरादरी से तल्लक रखने वाला एक बंदा जिसका नाम टेक सिंह था, वो यहाँ पे, आपने अभी यहाँ पे मटके देखे होंगे, कुआं देखा होगा, वो जितने भी लोग यहाँ से ट्रैवल करते थे, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है, तो यहाँ पे जितने भी लोग ट्रैवल करते थे उनको एक तो वो शेल्टर प्रोवाइड करता था गर्मियों में, लाइक या आपने अभी देखा इधर बड़ा सारा दरख्त है, तो वो उस दरख्त के नीचे लोग आके बैठ के सुकून करते थे, और वो सिख जो है उसको पानी पिलाता था, उन जितने भी मुसाफिर जाते थे उनको पानी पिलाता था। ठीक है, इस वजह से इस सिटी या टाउन का जो नाम पड़ा वो टोबा टैक्सिंग पड़ा। आप बताएं आपको कैसा लगा टोबा में? सर, मैं बहुत ज़्यादा अपनापन फील हुआ टोबा टैक्स में। अगर टोबा टैक्स में वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव रिस्पेक्ट। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जूम लेंस है, फिक्स लेंस है, तो अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है वाइड लेंस फुल फ्रेम लेने के, तो मेरा मुँह इसमें शायद थोड़ा बड़ा नज़र है, इतना बड़ा है नहीं, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में ना कहने का मैंने बताया नहीं था।